गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है पायल मलिक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी। सो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग वीडियो शूट नहीं कर रही थी, ना आप लोगों से कुछ बातें कर पा रही थी मैं। तो मैंने सोचा आज एक समर ग्लोरी मेकअप लुक किया, क्योंकि मैंने जो एक सूट लिया है तो उससे पहन के मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह शूट किया है। तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि इसका इस लुक का वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड करो। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी, क्योंकि अभी तो शादी सीज़न चल रहा है तो आप लोग को भी कुछ हेल्प मिल सकती है। तो मेरे पास ये पिंक कलर का सूट, और पिंक कलर का सूट में वो लुक इतना अच्छा लग रहा था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखो, और उसके इस लुक को देख लेना ज़रूरी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है लुक। तो जब आप लोग मुझे मोटिवेशन करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी पब्लिक मुझे देख रही है और मुझे पसंद कर रही है, एंड कोई लुक क्रिएट करने को कह रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ गाइज, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो मैं सूट दिखाती हूँ कौन सा सूट है वो, और जस्ट मैंने अभी फेस को अपना क्लीन किया है, अदरवाइज़ कुछ भी अभी तक फेस पे अप्लाई नहीं किया। तो यही था वो पिंक कलर का सूट। ये सूट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा। इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, इसे मैंने ऑफलाइन लिया था। तो ये वाला सूट है, इसी सूट में मैंने रील्स बनाया। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर रील्स वो वाला देख लो। तो मैंने मेकअप को सारा निकाल कर रखा है, तो चलते हैं मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कैमरा सेट कर रही थी, आप लोगों को अच्छे से दिख पाए एंगल, मेरा फेस बेस मेकअप मैं जैसे भी करूँ आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। तो ये मेकअप काफ़ी कम प्रोडक्ट्स में इसको कंप्लीट कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया जाए, आप लोग बोल भी रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिप मॉइस्चराइज़र लिया है, जो कि मेरा जेरी फ्लेवर है। आप जो भी यूज़ करते हो उसे यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने यूज़ किया उसे ही यूज़ करो। उसके बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र जो कि ऑलमंड वाला है, मैंने उसे भी शेयर किया है अपने मेकअप वीडियो में, तो नहीं देखा तो उस वाले मॉइस्चराइज़र को भी आप लोग देख सकते हो। ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना, क्योंकि अभी समर टाइम में ज़्यादा मॉइस्चराइज़र से भी पसीना आने लगता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा इसे नहीं यूज़ करती। मैं थोड़े से क्वांटिटी में स्टे करे मेकअप, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाता है जब आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेते हो। तो मैंने इसमें कोई भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं किया है, मुझे बहुत ज़्यादा देर तक इसमें मेकअप को स्टे नहीं करना था, 4 से 5 आवर्स तक स्टे कर गया, बहुत ही काफ़ी था ये मेकअप मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो यूज़ कर रही हूँ, तो ये है बेबी क्रीम, एक बेबी क्रीम मैंने लिया और एक सीसी क्रीम है, तो दोनों को मिक्स करके मैंने हैंड पे लेके दिखा रही हूँ। मैंने दोनों को यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है मेरे कहने पे। आप लोग इसे एक बार, अगर फाउंडेशन आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसे एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, ये कवरेज भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देता है। मैं कुछ टाइम से इसे ही यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि फाउंडेशन अगर बड़ा फेस्टिवल वगैरह हुआ तो, या फिर ज़्यादा शादी वादी हुआ तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये नॉर्मल डे पे भी अभी इसे यूज़ करोगे ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा पहले वाइट आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन हाँ बाद में इतना अच्छा ये मेल्ट हो जाता है। आप अभी मेरी स्किन देख सकती है, थोड़ा वाइट मेरी स्किन लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हाँ जब मैं इसे अच्छे से इसे ब्लेंडर को आप थोड़ा टाइम पहले 10-15 मिनट पहले इसे पानी में डाल के छोड़ देना, क्योंकि ये गीला हो जाने के बाद काफ़ी अच्छा मेल्ट हो जाता है। तो मैंने ब्लेंडर के, आप रगड़ना मत स्किन पे, अब धीरे धीरे हेल्प अपने ब्लेंडर की हेल्प से इसे मेल्ट कर लेना। हाँ, और नेक पे ज़रूर ही लगाना, क्योंकि स्किन के बाद नेक बहुत ज़्यादा ये होता है, इसलिए कोई भी पार्लर या कोई भी में, तो मैं इसी तरह अपना। सो गाइस, यहाँ मैंने बहुत अच्छे से अपना फाउंडेशन को अच्छे से मेल्ट, फाउंडेशन ही उसे आप बोल सकते हो, मैंने उसे बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आई लुक को कम्प्लीट करूँगी, तो उसके लिए मैंने लिया हुडा ब्यूटी का पैलेट, मैं उसे दिखा दूंगी। हुडा ब्यूटी का पैलेट काफ़ी लोगों के पास होगा, ये पैलेट काफ़ी अच्छा है, तो इसी पैलेट से मैं लूँगी 2 शेड्स। तो जैसे मैंने वो इंस्टाग्राम के वीडियो में, अगर मुझे देखा नहीं आप लोग तो पायल मलिक 003 है, तो प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ मुझे वीडियोज़ देखना। तो यहाँ से मैंने ब्राउनी शेड एंड पिंक रेड पिंकी शेड था जो कि सबसे लास्ट में था, वो वाला मैंने परचेज़ किया, दोनों को लगाने के। तो मैंने अपने फिंगर की हेल्प से इसे मेल्ट किया है, आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, फिंगर की हेल्प से मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेल्ट हो गया था, तो मैंने फिर ब्रश यूज़ नहीं किया। तो देख सकते हो 3 फिंगर्स आपको लगेंगे, 2 फिंगर्स यूज़ करेंगे 2 पैलेट को, और 1 फिंगर से आपको मेल्ट करना होगा काफ़ी अच्छी तरीके से।
तो इसी तरीके से मैं मेल्ट कर रही थी। तो जब तक मैं उससे मेल्ट कर रही थी, जब तक मैं चाह रही थी जैसा मुझे कलर ना प्रोवाइड हो जाए, मैं तब तक उसे ब्लेंड कर रही थी। लाइक देख सकते मैंने तीसरे हैंड से, उसका एक आइज मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मैंने सेम वैसे ही दोनों मैंने सेम टू सेम दोनों आइज पे अपने कंप्लीट कर लिया। मिलती है दोनों आइज को कंप्लीट करने के बाद। सो गाइज, बातों ही बातों में मेरा आई लुक भी कंप्लीट हो चुका था। तो कैसा लग रहा मेरा आई लुक? उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगा लिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो लिपस्टिक। उसके बाद मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर, और कॉम्पैक्ट पाउडर मैं कौन सा शेड यूज़ करती हूँ मैंने बहुत बार शेयर किया है अपनी वीडियोज़ में। तो प्लीज़ अगर वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लेना, मैं कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर लाइक नेक पे भी मैंने लगाई हूँ। उसके बाद अच्छे तरीके से मेल्ट कर लूँगी मैं इसे। सो गाइज, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद अच्छे से मेल्ट कर लेने के बाद, उसके बाद मैं लगाऊंगी ये क्या उसे बोलते हैं, मैं अब लगाऊंगी ब्लश। मैं भूल गई इतने सारे प्रॉब्लम। ब्लश में मैं उसी वाले पैलेट से लूँगी जिससे मैंने आईज़ को फिल किया था, तो उसी वाले पैलेट से मैं लूँगी पिंक शेड, पिंक या रेड शेड, उसे मैं अपने चिक पे लगाऊंगी। अगर आप डे पे ही मेकअप कर रहे हो, डे पे ही मेकअप करना, ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लगोगे एंड ब्यूटीफुल लगोगे आप। तो अगर आप दिन पे मेकअप को यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा चिक पे हल्का कम कर लेना, थोड़ा सा कम करके ब्लश को यूज़ कर लेना, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी ब्लश की, मैंने जैसे कि नोज़ पे एंड चिक्स पे अप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पे मेरा ब्लश मैंने लगा लिया था। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, जब मैं फाइनल लुक अपना दिखाऊंगी तो ब्लश वगैरह सारा कुछ आपको अच्छे से दिखेगा। तो सो गाइज, मैं बिंदी लगा रही थी क्योंकि बिंदी के बिना ये कंप्लीट था। तो ये ज़ीरो साइज़ की बिंदी एकदम मत लगाना आप, क्योंकि इसमें बहुत छोटी एकदम पता नहीं चलता। और इस बिंदी को भी आप अप्लाई मत करना, अगर आप मैरिड हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि इस लुक को आप क्रिएट कर रहे हो तो ये वाली बिंदी लाइक हर एक स्टोर पे शॉप में मिल जाएगी, अच्छे से अवेलेबल होती है। तो ये वाली बिंदी को मतलब फोर हेड के पास में थोड़ा लगाना, लाइक दो मतलब एब्रोक्स के बीच में भी आप लगा सकते हो, लेकिन हाँ थोड़े से ऊपर में लगाना। तो मिलती हूँ मैं ये वाले सूट पहनने के बाद, लुक दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी। सो कैसी लग रही हूँ मैं फुल रेडी होने के बाद, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ये सूट देखा, ये सूट मुझे काफ़ी पसंद है, लाइक लुक कैसा लग रहा है मुझे बताना आप लोग, ठीक है? तो यही था मेरा सिंपल सा एंड पिंक कलर का सूट में आप इस टाइप के लुक को क्रिएट कर सकते हो। अगर इस टाइप के लुक नहीं क्रिएट करो तो मैं दो तीन स्टाइल में और भी लगा दूँगी, लाइक आप उस टाइप की भी क्रिएट कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं हेयर को। सेकंड लुक ये है, आप ऐसे भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं उस टाइम झुमका नहीं पहनी थी क्योंकि बिना झुमके के भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, लाइक सिंपल लुक बहुत अच्छा लग रहा था। नेक पे मैंने इसलिए कुछ नहीं पैर किया है क्योंकि इसके नेक पे ऑलरेडी डिज़ाइन था, मतलब सूट पे वर्क किया हुआ था, इसलिए मैंने कोई भी इसे ये नहीं किया। लाइक मैं थर्ड ये करके दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे वेयर कर सकते हो। थर्ड लुक ये है और ये लास्ट लुक है। तो कैसा लग रहा है ये लुक मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आईज़ लुक एंड फेस मेकअप लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। लाइक मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही थी, आई एम रियली सॉरी गाइज। तो लाइक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, और किस टाइप का मैं लुक क्रिएट करूँ आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।